retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. जानते होगा कि मैं कौन हूँ। आई एम जॉन जंगकुक। जिस लड़की का अभी मर्डर हुआ है वो मैंने ही किया है, सबको मैंने ही मारा है, बिकॉज आई एम साइको। नॉट साइको, आई एम जस्ट मर्डरर, जिसको मर्डर करना बहुत पसंद है। नो वन चेंज मी, कोई भी मुझे चेंज नहीं कर सकता। ओ बाय द वे, आज मेरी शादी है। ओ वैसे जो मुझसे जिससे मैं शादी करने वाला था वो तो भाग चुकी है, लेकिन अब जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो खुद से मुझसे शादी करेगी। यू नो हु आई एम, जो मैं चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ, कोई भी मुझे से उससे छीन नहीं सकता। सो थोड़े दिन मेरी शादी है, सोच लो मैं शादी करने चाहता हूँ। ये सब क्या है मिस्टर किम? तुम्हारी बेटी अपनी ही शादी से भागी क्योंकि वो जंगकुक को पसंद नहीं करती थी और वो किसी और से प्यार करती थी, उसी के साथ भाग गई। धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो जो वेडिंग हॉल में रिश्तेदार है वो हमारी बातें सुन लेंगे। अब अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी फैमिली के साथ साथ जॉन फैमिली का भी नाम खराब होगा। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी बेटी ने हमारी पूरी इज्जत खाक में मिला दी। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मैं जानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, लेकिन मेरी फैमिली के लिए भी, मेरी फैमिली पे भी वही गुजर रही है जो आप पे गुजर रही है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी फैमिली की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना। एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, हर सुबह तू मेरी सांसों में समाया। अगर आप एग्री हो तो मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहती हूँ। मॉम आप ही क्या बोल रही हो, आप ही कैसा सोच भी सकती हो? बेबी डियर, तुम्हारी बहन की बेवकूफी की वजह से दोनों फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें हमारी फैमिली की इज्जत बर्बाद होने से बचा सकती है। प्लीज हमारी फैमिली की इज्जत बचा लो, प्लीज बेबी जंगकुक से शादी कर लो प्लीज। ओके मॉम, जंगकुक तुम क्या बोलते हो, तुम इस शादी के लिए एग्री हो? मिस्टर एंड मिसेस किम,
अपनी बेटी को तैयार करके 10 मिनट के अंदर वेडिंग हॉल में लेकर आइए। मॉम, इफ यू डोंट माइंड, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ अकेले में। रुको, मैं मिस्टर किम से बात करती हूँ। मिस्टर किम? यस मिसेस जियोन। इफ यू डोंट माइंड, जंगकुक कैसे अकेले में बात करना चाहता है। यस यस मिसेस जियोन, वो कर सकता है। मॉम रुकिए, डोंट वरी डियर, मैं कहीं नहीं जा रही, बस गेट के बाहर खड़ी होंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे बुला लेना। ओके मॉम। देयर, क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए हाँ बोलो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं बची है। मेरे पास बहुत से रीजंस हैं इस शादी से मना करने के। और वो रीजंस क्या है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ये कोई रीजन नहीं है, बस एक्सक्यूज है। मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था। मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे फ्रेंड जानते हैं कि तुम मेरी बहन के मंगेतर हो, मतलब मेरे होने वाले जीजा जी। फिर भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया, फिर मीडिया को पता चल जाएगा, वो क्या सोचेंगे? हमारी शादी के अगले दिन उन्होंने मीडिया में, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पोस्ट कर दी तो कि जॉन फैमिली के इकलौते बेटे की शादी उसकी साली से हो गई है, वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि उसकी मंगेतर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रेपुटेशन के लिए ठीक होगा? अगर हमारी शादी के बाद ही हमारी फैमिली की इज्जत बर्बाद होनी है तो फिर हमें एक दूसरे से शादी करने का क्या फायदा? अगर तुम उससे शादी करोगी तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। तुम ये सोचोगे कि मीडिया क्या कहेगी, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। मैं सब कुछ देख लूंगा और सबको देख लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, तो मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत दांव पे लगी है। और भूलो मत, ये सब तुम्हारी प्यारी बहन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपनी शादी के दिन ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अच्छा हुआ कि तुम कुछ ना करो और इस शादी के लिए अच्छी लड़की की तरह एग्री हो जाओ। आई होप कि अब तुम सब समझ गई होगी कि तुम किस सिचुएशन में हो। लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी हैं। बोलो। पहली शर्त, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी शादी की रिस्पेक्ट करो। दूसरी शर्त, हम हमारी शादी को एक मौका देंगे, अगर हमारी शादी नहीं चली तो फिर हम एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। तीसरी शर्त, तुम मेरी बिना मर्जी के कुछ भी करने को फोर्स नहीं करोगे। फोर्थ, कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे और अलग अलग रूम में सोएंगे। फाइव एंड लास्ट, अगर हम दोनों को फ्यूचर में किसी से प्यार हो गया तो पहले एक दूसरे से बात करेंगे, डिवोर्स से पहले सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। ओके ओके, और कुछ नहीं, इतना ही काफी अगर तुम चुपचाप फॉलो करते रहो। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक छोटी सी भोली भाली मासूम सी बच्ची हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम भी औरों की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, जंगकुक कैसे तुम्हारी बात हो गई, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। हो गई, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नहीं चाहता मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। मुझे डर लग रहा है। बेबी ऐसा मत सोचो, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारी बहुत केयर करेगा, बिलीव मी।
नहीं मॉम, आपने नहीं देखा था मुझे कितना गुस्से में देख रहा था। वो था सामने खड़ा था, जैसे मैंने उसके साथ कुछ कर दिया हो। मैं जानती हूँ तेरे तुम सही हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। काम डाउन भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तेरे तुम रेडी हो? अब जब माई बियर इज लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल, जैसे मैंने अपने सपने में देखा था उससे भी ज्यादा। डैड रोइए मत, कैसे न रहो मैं तुम कैसे न रहो मैं तुम जानती हो मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे। मैं तुम्हें शादी की शॉपिंग के लिए लेकर जाता, मैं तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत वेडिंग ड्रेस चूज करता जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी होती। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट की ग्रैंड पार्टी देता, मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से पार्टनर से कराता जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, वो भी सिर्फ तुम्हारे स्टूपिड बैन की वजह से। और अब तुम्हारा मजबूर बाहर तुम्हारी उस इंसान से शादी करा रहा है जिसे तुम प्यार नहीं करती। आई एम सॉरी डे, आई एम सॉरी। रोइए मत डैड, मैं जानती हूँ आपको ये सब करने के लिए फोर्स किया गया है, इस वजह से मैं आपसे नफरत नहीं करती। सो प्लीज अब आप रोना बंद कीजिए, अपनी ना सही तो मेरे लिए ही। हाँ मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था, तुम रेडी हो? हाँ ये रेडी है, तुम फिक्र मत करो ते। ओके लेट्स गो। जंगू की फोटो क्लिक करते हैं एज ही इज ओनली सन ऑफ जॉन फैमिली एंड सोल हेयर्स ऑफ जॉन इंडस्ट्री। सो उसकी शादी बड़ी ही ग्रैंड शॉकिंग न्यूज थी सोल के लिए, इसलिए रिपोर्टर्स की शादी न्यूज कवर करने के लिए बहुत खुश थी। मिस्टर जॉन इज लुकिंग सो हैंडसम। अरे सिर्फ मिस्टर जॉन की फोटो क्लिक मत करो, हमें मिस्टर जॉन नामजून एंड मिसेस जॉन किम सब जिन की भी फोटो क्लिक करनी है। और हाँ, किम फैमिली भी तो है और बहुत से सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस भी है, क्या तुम उन सबकी फोटो क्लिक नहीं करोगी? बट मिस्टर जॉन इज लुकिंग सो डैशिंग हैंडसम, मैं अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उनकी फोटोज लेने के लिए। आई एग्री, जिमिन बहुत लकी है जो सोल के सबसे हॉट एंड एलिजिबल बैचलर मैन से शादी कर रही है। शादी में आए थे सब ते को देखकर शॉक हो जाते हैं, ते की ब्यूटी देखकर भी और ये देखकर भी कि जंगकुक से शादी करने वाली जिमिन थी, लेकिन अब उसकी छोटी बहन है। यहाँ हो क्या रहा है? मिस जिमिन कहाँ है? बकवास करना बंद करो, शांति से रिकॉर्डिंग करते रहो, ये तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके मेरी ती का ख्याल रखना, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बेटी का बाप होने के नाते आई होप तुम ती की रिस्पेक्ट करोगे और उससे प्यार करोगे। मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या तुम प्लीज आपको ती की फिक्र करने की जरूरत नहीं है ससुर जी, क्योंकि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके आई बिलीव यू सन। ओ जाना तो शादी शुरू करें। वाओ हमें यहाँ कितनी हॉट न्यूज मिली है, ये हमेशा ऐसे ही हॉट न्यूज के लिए ऑब्सेस्ड रहता है। अच्छा हुआ कि तुम कुछ ना ही पूछो। सो आर्मी मैं अपने स्टाइल में ये भी शादी कराऊंगी, बिकॉज आई जस्ट हेट 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 मैरिज। अगर आपको शादी में इंटरेस्ट है तो अपने हिसाब से शादी मैरिज कर लेना, मैं तो शॉर्ट में ही करूंगी। सो मिस्टर जॉन जोगो ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। मिस किम तेओ ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। यू मे किस नाउ। मैंने अपनी लाइफ में किसी को भी हर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी नहीं, फिर क्यों गॉड ने मुझे ये क्यों सजा दे रहा है? क्यों गॉड मुझे इस आदमी की तरफ पुश कर रहा है? ये मेरे लाइफ में रेड फ्लैग क्यों आया है? लबों पे सजाओ
मार देना चाहते हो? तुम जानती हो तुम्हारे पास नोज नाम की भी चीज है जिससे किस करते टाइम सांस लेते हैं। यू सडनली न्यूज रिपोर्टर्स दोनों को क्वेश्चंस के लिए घेर लेते हैं। मिस्टर जियोन, आपने मिसेस किम तीन से शादी क्यों की? मिस जिमिन कहाँ है? आप उन्हीं से तो शादी करने वाले थे ना? क्या मिस जिमिन यही है मिस्टर जियोन जोंगकुक? अगर वो यही है तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। मिस्टर जियोन जोंगकुक, आपने मिस किम तीन से शादी क्यों की? क्या वो जियोन? क्या इस जियोन तेयोंग और तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर कि मैंने इससे शादी क्यों की? क्योंकि हमने ऑलरेडी शादी कर ली थी जब हम 10 साल के थे। What the hell, ये गधा क्या बोल रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर जॉन जंकुक? मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम सोच रहे हो। सो मिस्टर जॉन, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने और मिस किम तेयोंग ने ऑलरेडी शादी कर रखी है? बिल्कुल, यस। तो फिर आपने अपनी और मिस जिमिन की शादी की न्यूज अनाउंस क्यों की? वेल, उस टाइम हम बहुत छोटे थे और हमारी शादी का डिसीजन हमारी फैमिली के बड़े बुजुर्गों का फैसला था। मुझे और ते को इस शादी के बारे में पता नहीं था क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग थोड़े पुराने जमाने के थे, इसलिए उन्होंने हमारी शादी करवा दी। लेकिन बड़े होने के बाद हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि तेयोंग इस शादी को हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने जिमिन को चूज किया। लेकिन शादी से पहले जिमिन को अपने फ्रेंड्स के दादाजी से हमारी शादी के बारे में पता चल गया, इसलिए वो इस शादी से पीछे हट गई। शादी करने से पहले उसने मुझे और ते को भी बताया था। सो कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, यह हो क्या रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रही? आउच, ये सच है? सो हमने इस शादी को एक चांस देने का डिसाइड किया है और मैं जिमिन का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उसने अपनी शादी से ज्यादा सच को चूज किया। ओह, तो इसीलिए मिस जिमिन ने आपसे शादी नहीं की? वाओ, मिस जिमिन तो बहुत अच्छी है। अपना समय देने के लिए थैंक मिस्टर जॉन जंगुक, एंड आई मस्ट से आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सियोल के सभी लड़के लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आज का आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद सभी आपको रिस्पेक्ट और ज्यादा देने लगेंगे। मिसेस जॉन तेयोंग, कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑफिशियल वेडिंग। थैंक्स थैंक्स, लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। ये सच में बहुत चालाक लोमड़ी है, सबकी आंखों के सामने इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मुझे फ्यूचर में इस चालाक आदमी से बचकर रहना होगा। वो अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत टाइम हो गया। चलो तब तक कुछ न्यूज़ ही देख लेती हूँ। जॉन फैमिली के इकलौते बेटे जॉन जंगकुक की शादी किम फैमिली की छोटी बेटी किम तेयोंग से हो गई। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे बचाना होगा, कैसे बचाना? बेबी देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट बेबी। बेबी स्लोली स्लोली सांस लो, सांस लो। क्या हुआ बेबी? शुगर शुगर मेरी बहन। हाँ मैं जानता हूँ उसका क्या। जंगकुक, उसका क्या? जंगकुक ने उसने मेरी बहन से शादी कर ली। क्या, कैसे और क्यों? वो तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था ना, इसलिए हम वहाँ से भागे थे ताकि वो तुमसे शादी ना कर पाए। बेबी कुछ तो बोलो, हमें वापस जाना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है जिमिन? बेबी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें फ्लाइट में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज अभी हमें जाना होगा, प्लीज। आर यू श्योर बेबी? हमारा अभी जाना जरूरी है। हाँ हम अभी जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत खतरा होगा, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर कुछ गलत हो गया तो हम तेरे को कैसे बचाएंगे? मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहती, मुझे उस राक्षस से अपनी बहन को बचाना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था वो किस तरह का इंसान है, लेकिन लेकिन क्या? मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए फिक्र करो। क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की या फिर तुम्हें हर्ट किया? नहीं, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है।
बीबी वो कोई इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में जानवर है, शैतान है। वो किसी की भी परवाह नहीं करता, वो बस अपनी केयर करता है और अपनी फैमिली की रेपुटेशन की। और मैं अपनी बहन को उसके साथ नहीं रहने दे सकती, तो इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। डोंट वरी, हम अभी जाएंगे, हम वहां जाएंगे और हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, सब कुछ बता देंगे उनको। वो भी बहुत पावरफुल है, जस्ट लाइक जॉन फैमिली, और वो उनसे लड़ भी सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो। इसलिए हमें पहले से हमें उनसे बात करनी होगी, फिर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उससे कहेंगे कि वो साथ में से दूर रहे। यस ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ, तुम हमारे बैग पैक करो, हम अभी जाएंगे और नीचे जाकर कैब बुक करेंगे। ओके बस यहाँ तुम्हें जंगकुक का रूम दिखाने आई थी। मॉम, आप मुझे उसका रूम क्यों दिखाना चाहती हैं? सिली गर्ल, अब तुम दोनों शादीशुदा हो तो तुम दोनों को रूम में रहना होगा ना, और एक ही रूम में सोना होगा। मॉम, मुझे लगता है आज हम दोनों को अलग अलग रूम में सोना होगा। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि आप जानती हैं ना कि जंगकुक और मेरी शादी कैसे हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ कंफर्टेबली रहे, मुझ पर यकीन करे, मुझसे प्यार करे, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड अपनी वाइफ से करता है, इससे पहले कि हम सेम रूम शेयर करें। और मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। और ये तुमसे किसने कहा? और तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने सोचा कि वो मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि ये फोर्स मैरिज है ना, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके डोंट वरी, वो तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ओके और अगर तुम दोनों को एक दूसरे को जानना है तो उससे पहले तुम दोनों को एक साथ भी तो रहना होगा। अब चलो मैं तुम्हें उसका रूम दिखाती हूँ, तुम दोनों का रूम दिखाती हूँ। अब मेरे पास और कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरा लक मेरे साथ भी नहीं है। शायद चंगुक शावर ले रहा है। ओ, मैं जाकर मेट से तुम्हारा लगेज भिजवाती हूँ। ओके प्लीज मत जाइए, काश मैं इनसे बोल पाती। कुछ हुआ है क्या थे? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आप यहाँ मेरे साथ कुछ और देर रुक सकती हैं? ओह आई एम सॉरी बेबी बियर, मैं यहाँ रुकना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो जंगू के डैड यहीं पे आ जाएंगे। नर्वस मत हो, जंगू तुम्हारे साथ होगा थोड़ी देर में। ओके यही तो मेन रीजन है जो मैं आपसे यहाँ रुकने को बोल रही थी। A few minutes later. Oh no, मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। अगर वो रूम में आ गया तो मुझे देखकर क्या करेगा? मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेगा। God please save your child. मैं अभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। Please God save me, save me, save me. बहुत खूबसूरत है लेकिन मेरा बाइट मार्क होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तुम गॉड का बनाया हुआ सबसे अनोखा जुबा होते हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी देखता रहूं तो भी मैं कभी थकूंगा नहीं। ते? 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 हाँ मुझे लगता है
मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया थे। मैं अगर तुम मुझे अभी आंसर नहीं देना चाहते तो मत दो, ओके? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं इस गर्म माहौल में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, ओके? क्या तुम इस शादी को एक मौका दोगी? मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ, मैं जॉन जैकुक अपनी लाइफ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगा, और वो हो तुम, माय ओनली वाइफ जॉन तैयू। ओ जाना, तो क्या तुम मुझे अपना बनाने की इजाजत दोगी? थैंक यू लव, नो थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने के लिए। तो क्या हम वही करें जो हम पहले कर रहे थे? क्या मेकिंग लव, यू नो यू? तुम नहीं करना चाहती? नहीं, मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी कन्फेशन के बाद मुझे शर्म आ रही है। लेकिन पहले मुझे किस करते टाइम तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी क्या? मैं बस बदला लेना चाहती थी, जब शादी के टाइम तुम मुझे भूखे भेड़ियों की तरह किस कर रहे थे। लेकिन किस करने से पहले जब तुमने मुझसे परमिशन मांगी तो मैंने सोचा इट वाज नॉट अ बैड थिंग तुम्हें अपनी फर्स्ट किस देना, क्योंकि तुम मेरे पति बनने वाले थे। भले ही तुम थोड़े से डरावने, थोड़े बुढ़े भी हो, और तुम बुरी चॉइस भी नहीं हो। ओ, जंगकुक, यस बेबी, ऐसा लगता है मैं अपनी वाइफ की नजरों में बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं तो मैं बस तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। मेरी बात तो सुनो, लगता है अब मुझे अपनी वाइफ को प्रूव करके दिखाना होगा कि मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ। जंगकुक, वो भी प्रैक्टिकली। नहीं रुको, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड पर्सन हो, तुमने डायरेक्टली मेरे मुंह पे बोल दिया। आई एम सॉरी, आफ्टर बिहेविंग लाइक ए बैड गर्ल, तुम्हें लगता है तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट किया जाएगा? यू आर ए बैड गर्ल एंड बैड गर्ल डिजर्व गुड पनिशमेंट। जंगकुक, नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस टाइप की पनिशमेंट दूंगा? रात का नशा अभी। I'm sorry. या नहीं। I'm sorry again. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। After breaking my back, ये ऐसे सो रहा है जैसे दुनिया का सबसे मासूम आदमी यही है। कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम जा रही हो फ्रेश होने? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मुझे क्यों चाहिए? Because if you try to move around too much in your current situation, तुम खुद से खुद को हर्ट कर लोगी। तुम कितने बदतमीज हो। ओके, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ। जंगकुक, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बाहर जाकर मेरा वेट करो। क्यों, तुम्हें पेन नहीं हो रहा? मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प करता हूँ। नहीं, जंगकुक, तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, नहीं तो तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। मैंने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ली है, और अगर हम जब भी नहाएंगे साथ में तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तभी जब तुम्हें मुझसे डर ना लगे तो। What do you mean? मैं तुमसे डरूंगी? वो भी तुमसे? Nice joke, but I'm serious, baby. लेकिन if you are worried about your, you know what I mean, so don't worry. मैं तुम्हें नहलाने के अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा। जंगकुक, वो मैं ओके, अगर तुम मेरे बिना नहाना चाहती हो तो इट्स ओके, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके, जब तक ये नहाएगी तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ।
जरूरत कैसी मेरी वाइफ को देखने की? मैंने कभी नहीं देखा था, नहीं मैंने नहीं देखा उनको। गलत, तुमने उसे कल देखा था हमारी शादी के दिन। देखा वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से तुमने देखा उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास टाइम कम है इसलिए तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। के बाथरूम से आने से पहले मुझे रूम में पहुंचना है। तुम अभी भी यही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? Now let's go. Good morning, mom. Good morning, dad. Good morning, बेटा. Good आओ बैठो. Good morning. वो वापस आ गई है, आपके घर आ रही है, तो फिर उसे आ रहे। तो बियर लेट्स गो, लेकिन कहाँ? इस घर से दूर और इस इंसान से भी दूर। क्योंकि तुम इस घर में सेफ नहीं हो, स्पेशली अगर तुम इस जैसे इंसान के साथ रही तो। तुम इससे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? ते उसके पास मत जाओ। क्यों? ये मेरा पति है, मैं इसके पास क्यों ना जाऊं? क्योंकि ये एक राक्षस है। ये तुम्हारा पति नहीं है ते, एक राक्षस है जो किसी भी इंसान को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। अब तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ ते, ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है जिसे तुम अपना पति बोल रही हो, ये क्रिमिनल है, साइको है, पागल इंसान है, इसे मेंटल प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास वीडियो है जिसमें इसने एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारा था। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिमी ने अपने फोन में उस वीडियो को ढूंढना स्टार्ट करके, लेकिन बदकिस्मती से वो वीडियो गायब हो जाती है जब उसने अपना पहला कदम जॉन मेंशन में रखा था। क्या किया तुमने? यू मॉन्स्टर! मैंने खुद वो वीडियो बनाया था जब तुमने उस आदमी को मारा था, तो फिर तुमने उस वीडियो को डिलीट कैसे किया? हाउ डेयर यू! कैसे किया तुमने? कैसे? कैसे? ओके, नॉट ए वर्ड जिमी, नॉट ए वर्ड। कोई बात नहीं थे, इतना ज्यादा भी दर्द नहीं हो रहा। झूठ मत बोलो, मैं अंधी नहीं हूँ जो तुम्हारा दर्द ना देख सकूं। ते मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में लोगों को मारता है। तुम इस ड्रामे को बंद करो जिमी, मैं जानती हूँ ये सब तुम क्यों कर रही हो। जैकब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आओगी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, और अब तुमने देखा कि मैंने जैकब से शादी कर ली है,
तो अब तुम यहाँ वापस आकर सारा ब्लेम उस पर डालना चाहती हो ताकि मॉम डैड तुमसे नफरत ना करें। तुम सच में बहुत सेल्फिश इंसान हो जिमिन। तुम किसी इंसान को हर्ट कैसे कर सकती हो? उसको हर्ट करने से पहले उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच सकती? उनकी फीलिंग्स के बारे में एक बार तो सोच लिया करो। मैंने सच में नहीं, झूठ बोलना बंद करो जिमिन। यहाँ आओ और यहाँ आकर मेरे पति से अभी के अभी माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। माफी मांगो जिमिन। जिमिन माफी मांग लो। क्या? मैंने कहा जंगकुक से माफी मांगो। आई एम सॉरी। इट्स ओके जिमिन। व्हाट यू मीन इज इट्स ओके? तुम अपना चेहरा आईने में तो देखो, कितना दर्द हो रहा होगा तुमको। कोई बात नहीं के जिमिन अभी नादान है, इसलिए उसने सब किया। मुझे लगता है उसे मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई और इसलिए ये सब कर दिया। सो प्लीज उससे नाराज मत हो, उसे बस तुम्हारी बहुत फिक्र थी। अब कुछ भी स्टूपिड काम मत करना। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। I'm sorry, Mr. Namjoon. अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। क्या मतलब? प्लेन में बैठने से पहले मुझे इसका कॉल आया था। इसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम्हें चुप करने के लिए इसे तुम्हें मारना होगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम मर जाओ, इसलिए मैंने ये सब किया अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके जैसा इंसान अपने सीक्रेट्स क्यों छुपाना चाहेगा? ये तो उनमें से लोरा पीट पीट कर बताए। मैं कॉल लेकर आती हूँ। क्यों 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 तुमने अपने सीक्रेट छुपाने के लिए इस हद तक क्यों गए? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ओह, तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, है ना? तो फिर सुनो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे एक पल में मार सकता हूँ। मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि आगे से तुम कुछ भी ना करो, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ, और वो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ गई तुम? तुम्हें मैं इस बार तो जाने दे रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ अगर तुमने उसे हर्ट किया तो? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन आने से पहले मैं खुद को अपने हाथों से मार दूंगा। लेट्स गो जिमिन। सब कहाँ गए? उनको कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए सब चले गए। बेबी नाउ लेट्स गो फॉर आवर हनीमून। अभी? हाँ अभी बेबी। ओके लेट्स गो। नो मॉम डैड, हम जा रहे हैं। बाय बेबीज, बाय कुकी, बाय टे। Don't say anything about me. Got it? वरना मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। यार मैं सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।